वहाँ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ वापस आएंगे देवी का मंदिर पे। हाँ। उसके बाद में यहाँ से आगे जाएंगे लोंगेवाला म्यूजियम। गाइस फाइनली मैं होटल छोड़ दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना जैसलमेर चला जाए, वहाँ की अच्छी अच्छी व्यू दिखाया जाए आप लोगों को। तो फाइनली मैं जिक्सन के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर से जैसलमेर की ट्रेन पकड़ूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जैसलमेर की पूरी व्यू। गाइस फाइनली हम लोग जैसलमेर पहुँच चुका हूँ। वो जयपुर से मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो दिखाया था, लास्ट ब्लॉग बनाया था, उसके बाद से मैं जैसलमेर पहुँच गया हूँ। ये देखिए गाड़ी मिली है, एक फोर व्हीलर बोलेरो है, उसी से मैं जा रहा हूँ। ये भाई कैनॉट छोड़ेंगे, ये अभी ड्राइव कर रहे हैं, ये कैनॉट छोड़ेंगे। और कुछ आंटी लोग इधर बैठी भी हैं, हाय कर दीजिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये बता दीजिए। कनौट माता से मिलने के लिए ये लोग जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये एक बाबू भी है इधर, बच्चा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हाय। और इधर एक अंकल है, इनसे भी मिलिए। कहाँ जा रहे हैं आप बताइए? कनौट माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, बॉर्डर पे जा रहे हैं ये दर्शन करने के लिए। और आप लोग आते हैं तो एक तनौट जरूर जाइए। और ये भाई से मिलिए, ये भाई बोलेरो से लेकर जाएंगे आप लोगों को, ठीक ठाक रेट में हम लोग को लेकर जा रहे हैं। तो आप लोग जैसलमेर आए तो कोशिश करें कि बोलेरो से जाएं और काफ़ी कंफर्टेबल होगा, आराम से आप लोग जाएंगे। इनका नंबर 9783। और ये अपना नंबर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इनका नंबर, आप लोग अगर इधर से आते हैं तो नंबर से कॉल करके बात कर लें, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे रिसीव। ये नंबर है देखिए सामने, वो लगा के रखे हैं मिरर में, ये नंबर 9783623687, ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेंगे, ये भाई आपको एक्सेप्ट कर लेंगे उधर से। फिलहाल ये ड्राइव कर रहे हैं, डेजर्ट वगैरह था, डेजर्ट जो और ये बताते हुए लेते हैं, ये चीटिंग नहीं है। चीटिंग बाजी नहीं करते हैं ये, जो पैसे बताते हैं काज लगा रखा है। और जा रहे हैं हम लोग देखिए इधर, और गाइस ये देखिए बाहर के कितनी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, इसे देखकर आप लोग को राजस्थान और ख़ासकर जैसलमेर छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। और ये अंकल बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है अंकल आपको जाने में, कस के बताइएगा थोड़ा उधर से। बड़ा बड़ा अच्छा नज़ारा है। और उधर जाने में आपको एक्साइटमेंट कैसा है, अंदर से कैसा लग रहा? और इधर बाहर देख कर आपको कैसा लग रहा? पहली बार देख रहे हैं, राजस्थान क्या लोग राजस्थान। और ये भाई बड़ी मस्त गाड़ी चला रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल हवा और आंटी। और गाइस ये आंटी लोगों का कहना है कि अभी फर्स्ट बार जा रहा हूँ और हमारी हर मनोकामना पूरी हो ताकि मैं दोबारा जा सकूँ वहाँ मिलने के लिए, इनका ये कहना है। एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं आप। वो राजस्थानी में बोलेंगे, ये बोलिए उधर कब तक रहिएगा? दर्शन करके इसी गाड़ी से ये लोग दर्शन करके आ जाएंगे इसी गाड़ी से। और मैं तो वहाँ रहूँगा अभी, वो बजट के हिसाब से देखूँगा तो उधर बॉर्डर तक जाऊँगा, आप लोगों को सब दिखाऊँगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, एपिसोड बाय वीडियो जाएगी, फर्स्ट एपिसोड में मैं ये वीडियो डालूँगा आप लोगों के लिए। सब इच्छा पूरी जरूर होगी, बस मन से मनोकामना कीजिए और प्रार्थना कीजिए, बस पूरी होगी। Wow.
अच्छा गांव है। Of a child, it's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slow. Guys, इधर हम लोग अभी रुके हैं राजस्थान में, देखिए कुछ यहाँ पर थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाए, इधर का रोड है, देखिए व्यू कितना अच्छी आ रही है इधर से। मस्ती उड़ा रहे हैं ये देखिए, गाड़ी रोक के उधर डांस कर रहे हैं पूरा। देखिए ये एंजॉय सिर्फ राजस्थान में मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। ये देखिए और उधर देखिए चाचा उधर झाड़ी में। देखिए तो गाइज हम लोग इधर पहुंच गए हैं माता का मंदिर है, तलोट माता का मंदिर है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का तब युद्ध हुआ था, यहाँ पे तब लड़ाई हुई थी, वहाँ पे तब यहाँ माता के मंदिर पे जो बम डाले थे पाकिस्तानियों ने, और यहाँ पे बम वगैरह डाले थे, वो बम वगैरह हुआ रखा हुआ है, और देवी जी का माता का रखा हुआ है, वो सब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है, माता का मंदिर है तलोट माता। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं तलोट माता के मंदिर पे। हाँ अभी यहाँ से 45 किलोमीटर यहाँ पे आगे अपना मेन बॉर्डर है बबलियानी बॉर्डर। हाँ यहाँ 45 किलोमीटर लोंगे वाला म्यूजियम है, यहाँ से ये लोंगे वाला सीधा जाता है, सीधा लोंगे वाला रहता है, ये इधर से सीधा लोंगे वाला जाता है, इधर से जाऊँगा उधर भी मैं। फिर यहाँ से अब हम तलोट माता का दर्शन करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे लोंगे वाला। ये लोंगे वाला का रोड है, 45 किलोमीटर लोंगे वाला सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। वो हमारी कार है, आप उस कार के अंदर आए हैं, इस कार के अंदर आए, उधर व्हाइट रंग की दिख रही होगी आपको बोलेरो। और इधर से हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से उसके बाद में बताएंगे, यहाँ से पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ बबलियानी बॉर्डर, यहाँ से बबलियानी बॉर्डर के नाम से वहाँ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ वापस आएंगे देवी का मंदिर पे। उसके बाद में यहाँ से आगे जाएंगे लोंगे वाला म्यूजियम, जो पाकिस्तान इंडिया के वहाँ पे लड़ाई हुई थी, बम रखे हुए थे जहाँ तक माता का, वहाँ जाएंगे। उसके बाद में वापस अपन जाएंगे डेजर्ट पे, जो यहाँ पे मेन डेजर्ट है थार डेजर्ट, यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर बोला जाता है थार डेजर्ट, वो थार डेजर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा। वहाँ पे अपन जाएंगे क्लासिक डेजर्ट सफारी कैंप इन जैसलमेर, खूब मस्ती होगा, बस एंजॉय आप लोग वीडियो बने रहे, सफारी जीप सफारी सब रहेगा। उसके बाद में राजस्थानी कालबेलिया डांस, राजस्थानी फूड डांस, राजस्थानी डिनर वगैरह रहेगा, पूरा मस्ती होगा, दाल बाटी चूरमा गट्टा कड़ी राइस चावल चपाती मिक्स वेज वो खाना रहेगा, वो खाना वाना खा के फिर वहाँ स्विस टेंट रहेगा लग्जरी, वहाँ पे स्टे करेंगे। सुबह मॉर्निंग में 9-10 बजे वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके
सिटी में जाएंगे। सिटी में पटना की हवेली, गड्डी सागर लेक, जैसलमेर महाराजा पैलेस, जैसलमेर गोल्डन फोर्ट। जो तो गाइस फाइनली हम लोग इधर पहुंच गए हैं। ये सामने कनौड़ माता की मंदिर दिख रही होगी आपको, और ये सब लोग पहुंच गए हैं। एक बार बोल दीजिए जोर से, जय जय कनौड़ माता की जय। और ये लोग अभी पूजा करेंगे, मैं इधर से जाऊँगा BSF के, इधर उधर रहूँगा 2-3 दिन, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। फिलहाल ये देखिए आप लोग मंदिर, बाकी का वीडियो मैं कल बनाऊंगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।